सभी सफलता के लिए मेहनत करते हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं या आप स्टूडेंट ही हैं, सफलता सबको प्यारा है। हर कोई कोशिश कर रहा है सफल होने का, लेकिन सफल सभी तो होते नहीं हैं। सफल नहीं होने का क्या वजह हो सकता है? जब मैंने अपने अनुभव का मंथन किया तो मैंने देखा, मैंने ये डिसाइड किया, ऐसा मुझे लगा कि सफलता इतनी आसानी से तो मिल नहीं सकती है, लेकिन दो बातें आपको हमेशा सफल बनाने में मदद करेगा। ये दो बातें क्या क्या हो सकती है जो कि आपको सफलता की सीढ़ी के टॉप पर पहुंचाएगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन है, और खास करके मैं स्टूडेंट्स को आगाह करता हूँ कि आप ये दो पॉइंट्स को जीवन में लागू कीजिए, सफलता आपके कदमों में गिरेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस चीज के पीछे आप पागल हैं, कहने का मतलब है कहने का मतलब कि जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए अपने दिन को रात को एक कर दो। ये मत सोचो कि अभी रात है तो मैं सोता हूं, ये नहीं सोचो कि अभी दिन है तो मैं नहाता हूं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम में लगे। रात हो या दिन, जब तक ये आंखें खुली है आप अपने मिशन में लगे रहो, डटे रहो, सफलता जरूर आपको मिलेगी। जो दूसरी बात है, मैंने अपना अनुभव आपको बतलाया है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव गलत होने की संभावना 1% भी नहीं है। दावे के साथ एक टारगेट बनाओ अपने लाइफ का। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एक टारगेट बना लीजिए कि आज के डेट में आपको इतना सा कवर करना है। आप बुक लेते हैं और एक दो पेज पढ़ लेते हैं, एक दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और आप समझते हैं कि आज आपका टास्क कंप्लीट हो गया, तो आप गलती कर। ये कोई रूटीन नहीं हुआ, ये कोई टारगेट नहीं है। एक टारगेट फिक्स कर लो, अगर स्टूडेंट हो तो मैथमेटिक्स में आज 40 क्वेश्चंस को बनाना है, 30 क्वेश्चंस न्यू होगा और 10 क्वेश्चंस बनाया हुआ क्वेश्चन होगा, यानी रिवाइज करेंगे, रिविजन भी करोगे। दूसरे प्रोफेसर के लोगों के लिए भी मेरा यही सजेशन होगा, एक टारगेट बनाओ कि ये आज की डेट में करना है तो उसको करना है, चाहे इसके लिए आपका टेम्परेचर बॉडी का 103 डिग्री भी क्यों ना हो जाए, लेकिन ये कभी नहीं समझना कि आप बीमार हैं। आप सोचते ही क्यों कि आप बीमार हैं, बंद कर दो सोचना, बीमारी खुद ब खुद भाग जाएगी। आप सोचते हैं कि मैं थक गया हूँ, अरे थका कौन नहीं है, मैं क्या नहीं थका हूँ, लेकिन फिर भी वही जोश है, वही जुनून है और प्राप्त करने की वही तमन्ना है। अगर आप अपने अंदर इस जुनून को रखोगे तो सक्सेस कहाँ होगी आपको पता है, आपके जेब में।